Assalamu alaikum. I hope you all are fine. Today is Friday and date is 5th January 2024. Class 4, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है यूनिट नंबर 10, टेक्नोलॉजी इन एवरी डे लाइफ की वर्कशीट को डिस्कस करेंगे. इसके ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये मैं आपको रीड भी करवाऊंगी और इसकी अंडरस्टैंडिंग भी दूंगी. आपने इसे लर्न भी करना है और रीड भी करना है. लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द यूज ऑफ मेडिसिंस, अद्वियात के क्या इस्तेमाल हैं, किस पर्पज़ के लिए इनको यूज़ किया जाता है. इसका आंसर है, दे आर यूज टू रिलीव द पेन. ये जो है दर्द को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं. देन क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ थर्मामीटर, थर्मामीटर की कितनी टाइप्स हैं. जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर की रीडिंग में भी स्टडी किया था कि थर्मामीटर की 2 टाइप्स हैं, तो इसका आंसर क्या है, 2. देन क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम द टाइप्स ऑफ थर्मामीटर. जो थर्मामीटर की 2 टाइप्स हैं उनके नेम आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन करने हैं. इसका आंसर क्या है, डिजिटल थर्मामीटर एंड क्लिनिकल थर्मामीटर. डिजिटल थर्मामीटर में जैसे कि आपको पता है कि उस पर जब बॉडी के साथ वो टच करता है तो वो डिजिट्स में आपको आपकी बॉडी का टेम्परेचर बताता है. क्लिनिकल थर्मामीटर वो थर्मामीटर जो क्लिनिक्स में हॉस्पिटल्स में यूज़ किया जाता है और उसमें एक मर्करी लिक्विड फ्लूइड फ्लो करता है, ठीक है, और वो भी आपको क्या करता है, टेम्परेचर ही बताता है. देन क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ पर्सन. एक आम इंसान का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, आम बॉडी टेम्परेचर वो कितना होता है. इसका आंसर क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस. देन क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ रिसाइकलिंग. रिसाइकलिंग क्या होती है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए. इसमें उन्होंने इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि रिसाइकलिंग के फ़ायदे क्या है. रिसाइकलिंग होता है कि पुरानी चीज़ों से ही नई चीज़ें बनाना, उन्हें दोबारा से इस्तेमाल में लाना. इसका आंसर क्या है, इट क्रिएट्स लेस वेस्ट. रिसाइकलिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारे पास जो वेस्ट है वो बहुत ज़्यादा कम पैदा होता है. आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और इसे अच्छे से लर्न कर लीजिएगा. और वैसे भी आज तो फ्राइडे है और आप लोगों को पता है फ्राइडे वाले दिन दुरूद पाक पढ़ने का बहुत ज़्यादा स्वाद मिलता है. अल्लाह हाफिज़.